Friends, how are you? I think you have forgotten me, but I am back now. So we have started today our new segment of previous lesson, the nationalism in India, right? So previously we have decided to complete the segment up to which point can anybody guess of you? Yes, it is the Purna Swaraj Declaration, which was held in the Lahore session. ठीक है, लाहौर सेशन 1929, ठीक है, विद द प्रेसिडेंसी चेप ऑफ मिस्टर जे एल नेहरू, राइट? अप टू दिस सेगमेंट वी हैव प्रीवियसली एंडेड और कंप्लीटेड आवर टॉपिक. फ्रॉम टुडे टुडे वी विल स्टार्ट द दांडी मार्च, ठीक है, और द साउथ सत्याग्रह, ठीक है. तो दांडी मार्च का नाम मार्च क्यों रखा, दांडी मार्च ही क्यों रखा गया? क्योंकि गांधी जी का जो आश्रम था वो कहां से था? साबरमती से, ठीक है, साबरमती, क्लियर है. और साबरमती से होते हुए ये कहां चले हैं? दांडी चले हैं. अच्छा ये बताओ कि उन्होंने सॉल्ट को ही क्यों चुना? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो कि हर कॉमन व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो रिचर हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो व्हाइट हो, मींस किसी भी टाइप का बंदा हो, वो कम से कम क्या करेगा, नमक तो खाने में लेगा ही. और नमक को खाने की चीज यानी एसेंशियल थिंग है. और गांधी जी ऐसी ही चीज के बारे में सोच रहे थे कि कोई ऐसी चीज ले जाए जो हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई हो, ठीक है, एवरीवन रिलेटेड, ठीक है. तो गांधी जी ने नमक को चुना, ठीक है. ये बात उन्होंने डिसाइड कर ली थी अपने 31 जनवरी को. उन्होंने वाइसराय लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा कि भाई देख, तेरे पास टाइम है कि तुम 11 मार्च तक हमारी बात मान लो. क्योंकि 1929 को पूर्ण स्वराज हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्ण स्वराज का यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया था. अच्छा, अगले साल की यानी 1930 या 1930 में वो स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, कब? 26 जनवरी 1930 को. और इस दिन वो लोग क्या करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर देंगे. बात समझ में आ गई यहां तक की? अब इन्होंने 31 जनवरी, चेक कर लीजिएगा, डेट में भी थोड़ी सी राउंड हो सकती है, ठीक है, 1930 को उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक भेजा जिसके अंदर उन्होंने क्या 11 डिमांड्स लेटर लिखा, 11 डिमांड का, ठीक है, 11 डिमांड्स का, जिसके अंदर कुछ तो स्पेसिफिक थी डिमांड्स, ठीक है, और कुछ आपकी जनरल थी, जिनमें से एक थी कि जो सॉल्ट सत्याग्रह में सत्या, ठीक है, में जो प्रिजनर्स क्या होंगे, अरेस्ट किए जाएंगे, उनको क्या कर दिया जाएगा, रिलीव कर दिया जाएगा, ठीक है, रिलीव, ठीक है. तो सॉल्ट सत्याग्रह के प्रिजनर्स को रिलीव कर दिया जाएगा. ये बात समझ में आ गई है. अब क्या होता है कि ऐसे में उन्होंने वो चीज ढूंढी कि जो हर एक व्यक्ति के द्वारा काम में ले जा सके, और वो चीज क्या ढूंढी उन्होंने? साल्ट. इसीलिए सॉल्ट सत्याग्रह का नाम दिया गया था. अब सत्याग्रह का मीनिंग तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि इफ यू आर करेक्ट ऑन योर पॉइंट, देन देयर इज नो नीड टू use the physical power on the oppressor. सत्य के लिए आग्रह करना, भाई मैं सत्य, आप जो मान ले या मत मानिए, ठीक है साहब. और सॉल्ट के ऊपर अंग्रेजों ने क्या लगा रखा था? टैक्स लगा रखा था. और इस टैक्स को गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का सबसे ऑप्रेसिव फेस बताया, सबसे भद्दा चेहरा था कि तुमने नमक जैसी चीज के ऊपर क्या लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है. यह बात समझ में आ गई.
तो गांधी जी ने क्या दिया उसको, लॉर्ड एलन को अल्टीमेटम, ठीक है, यानी एक लास्ट दे दिया कि भाई देख तेरे पास अब तक के टाइम है, यदि तू मानता है तो ठीक है और नहीं मानता तो सही। जी भाई कब तक का दिया है, 11 मार्च 1930। मार्च का महीना है याद रखिएगा, आपको याद रखने में आसानी रह सकती है, क्या दांडी मार्च या दूसरा नाम साल मार्च, ठीक है, तो ये आपको याद रखने में हेल्पफुल रहेगा क्या भाई सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था या उसका दूसरा नाम क्या है सॉल्ट मार्च, ठीक है, दांडी मार्च, तो सोलह मार्च में स्टार्ट होता है और मार्च के लिए कितनी तारीख, यहां तक गांधी जी ने एक तरीके से प्रॉमिस कर रखा था 11 तारीख तक 11 मार्च तक तो मैं कुछ नहीं कहूंगा देर से, अब आगे जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार तुम होगे और तुम कौन है वो बंदा, करेक्ट पकड़े हैं, कौन है लॉर्ड एलन, जो कौन बनकर आए थे वाइस राय बनकर आए थे 1929 अक्टूबर में, ठीक है, वाइस राय, वाइस रॉय, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको जहां तक मैं लिखा ले, ठीक है, अक्टूबर 1929 होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है साहब, 11 मार्च तक की उसने बात कह दी, 12 मार्च को गांधी जी शुरू गया जय बम बोले जय शिव शंकर और अपने साथ कितने लोग लेकर चल दिए ये ध्यान रखना, देखो ये मैं रब कर रहा हूं सब नोट कर लीजिएगा आराम से, काफी देर हो गई लिखे हुए आप नोट कर लीजिए, चलिए मैं इसको राइट आउट कर रब कर देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपकी बात चलती है किसकी, 12th मार्च आ रही है 1930, 78 लोग हैं, ठीक है, वॉलेंटियर्स चल दिए हैं, कहां से चल दिए हैं, साबरमती के आश्रम से, कहां पर दांडी COASTL दांडी कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, ऑफ गुजरात, क्लियर है, स्टार्ट हो गए हैं, टोटल यहां से लेकर कहां से लेकर साबरमती से लेकर और दांडी तक का जो सफर है वो तकरीबन कितना है 240 माइल्स, ठीक है 240 माइल्स है, अब ध्यान रखना एक माइल में तकरीबन 1.72 कुछ ऐसे ही किलोमीटर होते हैं और इन्होंने पूरे 24 डेज में कंप्लीट की, इट मींस 10 माइल्स अ डे डे, ठीक है, तो इस हिसाब से वो टोटल कितने दिन चले 24 दिन चले, यानी इस हिसाब से रास्ते में वो काफी सारे लोगों से मिलते रहे, लोगों ने उनकी बातें सुनी, उनकी काफी सराहना की, एडमायर किया और उनके साथ भी काफी सारे लोग लगे, पर स्टार्टिंग याद रखना 78 वॉलेंटियर्स के साथ की थी, क्लियर है, अब 24 दिन गुजर जाते हैं यानी कि तुम्हारे 12 दिन पूरे हो गए 24 दिन और 6 दिन तुम्हारे हो 12 और 6 18 और 5 अप्रैल को ये पहुंच गए कहां दांडी, ठीक है 5 अप्रैल 1930, ठीक है लगभग पहुंच गए होंगे,
अब उन्होंने 6 अप्रैल ठीक है 1930 को सॉल्ट लॉ क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, और उन्होंने दांडी के कोस्टल एरिया पर उन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया, प्रोड्यूस बनाया, प्रोड्यूस सॉल्ट, और इस तरीके से सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। ठीक है, ये बात आपकी पूरी हो गई। इन्होंने दांडी मार्च मैंने सेरेमनी जो करी है वो 6 अप्रैल को ही करी है भाई, ये तो हो नहीं सकता कि भाई जाएंगे और तुरंत तो भाई, और उन्होंने सारा इंजाम कर रखा है और उन्होंने नमक बनाकर 5 अप्रैल को ही कर दिया, यानी 5 अप्रैल की रात को पहुंचोगे तो अगले दिन कौन से 6 अप्रैल आपकी नमक बनाने का कानून तोड़ दिया गया। ठीक है साहब, और इस हिसाब से आपका नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ CDM, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट या सेकंड नंबर का वीडियो था जिसके अंदर उन्होंने और NCM बोले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कौन सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने ये मूवमेंट स्टेजेस में स्टार्ट किया था और स्टेजेस आपकी 5 थी और लास्ट में कौन सी स्टेज थी कि यदि सरकार ने यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जो कौन रिवॉल्यूशनरीज या रिवॉल्यूशनरीज कर रहे हैं या मूवमेंट करने वाले लोग कर रहे हैं यदि उनके किसी भी काम को गलत तरीके से रोका गया तो वो नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और वो मूवमेंट होगा कौन सा, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन मूवमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और ये दूसरे मूवमेंट से ये आपका मूवमेंट अलग था। ठीक है, जो कि 1921 और 22 में किया गया था, कौन सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसको खत्म करने का रीजन क्या था कि चौरे चौरा नाम की जगह जो कि लखनऊ के अंदर है, ठीक है, यूपी के लखनऊ के अंदर है और गोरखपुर के अंदर चौरी चौरा नाम की जगह पर जो पुलिस स्टेशन था वहां पर ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को जला दिया और तकरीबन फरवरी की बात है, 5 या 6 फरवरी की बात है। ठीक है, क्लियर है, और 5 फरवरी के दिन का 1922 में, ठीक है, जिसमें 22 पुलिस कर्मी मरे थे, बर्न, कितने 22 पुलिस कर्मी, और एक बार जलाया किसने था, बाय एंगर विलेजर्स। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि वहां पर जो पुलिसकर्मी थे सिपाही लोग थे कॉन्स्टेबल थे वो थे तो सारे इंडिया के ही, तो यानी कहीं ना कहीं इंडिया के ही तो लोग मरे, तो इसलिए गांधी जी यहां से थोड़े से नाराज। क्लियर है, तो काफी सारे डिफरेंट पार्ट्स में नमक बनाने का कानून तोड़ा गया। ठीक है, और गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने क्या किया उन्होंने, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन, और प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एक तरीके से अगेंस्ट जाना, चाहे चुपचाप जाओ चाहे लड़ाई झगड़ा करके जाओ कैसे जाओ, इसलिए दोनों को एक साथ ही माना जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट। इंग्लिश में उसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर इन्होंने एक साथ ही लिया है। ठीक है, अब जैसे जैसे मूवमेंट स्टार्ट होने लगा तो क्या दो काम और होने लगे जो एनसीएम में हुए थे, एक तो काम हुआ आपका, मैं रब कर रहा हूं आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप जल्दी से फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको, ठीक है, सारे के सारे बच्चे। अब साथ में यहां पर दो चीजें रखी गई, क्या, एक तो बायकॉट किया गया लिकर शॉप्स, ठीक है, को पिकड़ किया गया, और साथ में एक टैक्स था जिसका नाम था चौकीदारी टैक्स। ठीक है, इसको देने से भी भारत के लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम ये टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, और विलेज ऑफिशियल्स ने रिजेक्ट कर दिया और काफी सारे लोग जो थे वो
फॉरेस्ट को जो बनाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट लॉ भी उन्होंने तोड़ दिया। ये सारा काम कब स्टार्ट हुआ है? 6 अप्रैल 1930 के बाद में। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? काम अपना हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे सबको अपने कब्जे में शुरू कर दिया लेना। और दो आपने दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, एक महात्मा गांधी जी और एक आपका अब्दुल गफ्फार खान, जिनका दूसरा नाम खान गफ्फार खान है, याद रखना। कौन रखना? अब्दुल गफ्फार, जिसका दूसरा नाम खान गफ्फार खान है, और जिन्हें फ्रंट टायर गांधी जी भी कहा जाता है। ये तीनों चीजें याद रखना, फ्रंट टायर गांधी, ठीक है, गांधी जी। जिस तरीके से गांधी जी हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान या खान गफ्फार खान मुस्लिम के लिए फेमस थे, ठीक है सर। तो उनको भी मेनली क्या कर दिया गया, पेशावर की जेल में आने मना कर दिया गया वहां से आने के लिए, और क्या कहते हैं उनका अगेंस्ट किया गया, क्लियर है, इनका गफ्फार खान का। ऐसे में काफी सारे लोगों ने विरोध किया, काफी सारे लोग मारे भी गए, और शोलापुर की इंडस्ट्री में, ठीक है, या शोलापुर में कह दो आप, ठीक है, कहां है, महाराष्ट्र में, ठीक है, और वहां पर गांधी जी खुद ही अरेस्ट हो गए, क्लियर है यहां तक की बात। ये पूरा का पूरा कब से चला है? अप्रैल में 1930 से, ठीक है। और इनमें से काफी सारे लोगों को मारा पीटा गया और लाख लोगों को जेल में रख दिया गया, अरेस्ट करके, क्लियर है, कोई ज्यादा नहीं है। अपने पोर्ट ब्लेयर के अंदर है अंडमान निकोबार में, काफी बड़ी जमीन है, सेलुलर जेल के नाम से जाना, वो एक पिक्चर देखी थी ना कोई जी, कयामत, कयामत उसके अंदर है, वो बहुत बड़ी जेल है। चले आगे, इन सच अ वे गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई अब ये यहाँ पर इस मूवमेंट को रोक दिया जाए। कब? जो कि उन्होंने रखा था उसके बाद में वो शायद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, जब परंतु वहां पर उनको कोई सफलता नहीं मिली। इनको गांधी जी को कहां पर? सेकंड राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब वहां से वो नाराज होकर वापस आ गए, ठीक है। परंतु जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि हालात यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई है। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि भाई दिसंबर की बात है, तो उन्होंने देखा भाई सरकार जो है काफी ज्यादा गलत तरीके से जो मूवमेंट है, रिवोल्यूशनरीज हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने 1931 में ये रोक दिया, ठीक है, 30 में चला, एक डेढ़ साल चला, 31 में रोक दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया 33 में, ठीक है, यानी कि 30 में स्टार्ट किया, एक मिनट चेक कर लो, 30 में स्टार्ट किया, दिसंबर 31 में रोक दिया गया, फिर 32 में दोबारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, 33 में दोबारा स्टार्ट कर दिया गया, और फिर 33 में दोबारा स्टार्ट हुआ, एक साल तक चला, और 34 में लास्ट में उसने अपना 1934 में अपना मोमेंटम लॉस कर दिया, ठीक है। ये आपका पूरा हुआ। अब ध्यान रखना, दोनों अपन ने पढ़ लिए हैं, CDM और NCM, ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी आता है, जिसमें से एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि NCM एक बार बंद हुआ दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि CDM ऐसा मूवमेंट था जो कि एक बार बंद हुआ फिर दोबारा स्टार्ट हुआ फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो गया, यानी उसको बंद नहीं किया परंतु उसके मोमेंटम जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि भाई NCM एक पार्ट है, NCM एक मेन मूवमेंट था जबकि CDM उसका एक पार्ट था। ये 1920 में स्टार्ट हुआ
और 21 में ये खत्म हो गया, इसमें आपका जनवरी के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद में 21 में आप मुझे स्टार्ट होता हूँ कि 1920 के अंदर नागपुर के सेशन में इसको प्रपोजल किया गया था, भाई हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, एनसीएम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर 20 के बाद में कितना आ गया, 21 आ गया। और 22 में फरवरी के महीने में चौरी चौरा नाम की जगह पर वायलेंस होने के कारण ये गांधी जी ने बंद कर दिया, और ये बंद नहीं रोका गया था। और लास्ट में 1934 में डिंग 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 किधर गया, 1934 में इसने मोमेंटम लॉस। ये बात समझ में आ गई है सबको? तो इस तरीके से हमने अपना ये टॉपिक पूरा कर लिया है, कहां तक का कि सॉल्ट मार्च किसे कहते हैं, क्यों स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो काफी दिनों बाद जो आई है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आ जाए तो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ना आए तो आपका विचार है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड वेट फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट।